नमस्ते मित्रों का 24/7 में आपका फिर से स्वागत हो। मैं हूं किशोर शेरे औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से। तो आज हम आए हले परवनी, मेरा जो गांव है, मेरा जहाँ मैं जहाँ से हूं वो मेरे देश में मेरे गांव में आया हूं। और आज मेरे शागिदों का ये वर्कशॉप है, यहाँ पे मैं आया था। तो ये एक अल्टो थी K10, मारुति अल्टो K10, तो इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम था, तो मैं आइए मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये जो अल्टो K10 है, इसमें कूलेंट डालने के बाद गाड़ी ओवर हीट मारती है। गाड़ी जब भी इसको पानी वाटर डाले तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल टेम्परेचर पे चलती है। सिर्फ कूलेंट डाले, 1 या 2 लीटर कूलेंट उसके अंदर डाले पानी मिक्स करके, तो गाड़ी ओवर हीट मारती है। ओवर हीट मारने की क्या तकलीफ है तो मैं आपको फिर से खुल के बताता हूँ। ऐसे सोचते हैं कि गाड़ी को ज्यादा कूलेंट की इस्तेमाल नहीं डाले तो कुछ नहीं होता, पानी डाले तो भी चलता है, और अपन क्या करते हैं उसमें पानी टॉप अप करते रहते और सर्विस स्टेशन पे जाके कूलेंट नहीं इस्तेमाल करते। तो होता क्या है, जब भी अपन गाड़ी जब भी चलती है, गाड़ी 6, 7, 8 साल होने के बाद गाड़ी के अंदर पूरा वाटर ही रहता है, कूलेंट पूरा खत्म हो जाता है। और वाटर रहने से क्या होता है, जैसे गाड़ी ओवर हीट होती है तो उसपे गाड़ी के पूरा ब्लॉक के अंदर, हेड के अंदर, उसमें शार्क की एक काई चढ़ जाती है। जो काई क्या करती है, जो अपनी गाड़ी की जो वाटर को हीट ट्रांसफर करने में उसमें दिक्कत लाती है। तो होता क्या है, तो जब भी अपन कूलेंट डालते हैं उसमें वाटर निकाल के कूलेंट डालते हैं, तो कूलेंट अपना अपना काम करता है, उसका रोटेशन में लेके आता है, मगर वो अंदर जो गाड़ी की हीट है वो सामने रेडिएटर तक नहीं लाता है, तो खाली वो घूमते रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं रहता, इंजन का टेम्परेचर बढ़ते रहता है, इसलिए गाड़ी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसी गाड़ी में क्या करना चाहिए, तो अपन जब भी गाड़ी ऐसी में तकलीफ देती होंगी या कोई भी मैकेनिक को ये तकलीफ होंगी कि गाड़ी जब भी कूलेंट डालते हैं ओवर हीट होती है, तो तब क्या करना चाहिए, तभी अपन ने क्या करना चाहिए, तो 1/2 लीटर कूलेंट और बाकी पानी ऐसा इस्तेमाल करना, नहीं तो फिर उसकी आदत लगने तक उसको थोड़ा थोड़ा कूलेंट मिक्स करते रहना। या उसमें क्या करना, उसमें जो रेडिएटर क्लीनर जो रहता है, जो अपन रेडिएटर चोकोबर बोलते हैं, वो डाल के उसका पूरा अंदर का जो शार रहता है वो निकाल देना। अगर नहीं निकालेंगे शार तो आके बैठ जाएंगे वो रेडिएटर में, रेडिएटर चोकअप कर डालेंगे, रेडिएटर चोकअप होने के बाद हो जाती गाड़ी ओवर हीट। गाड़ी ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में ये होने वाला है, ये ऐसा है। तो ये ओवर हीट होने के कारण से होती है, हेड गैस गिर जाती है या ब्लॉक सीज हो जाता है, ये अनेक मुसीबतों की जड़ शुरू हो जाती है। तो कभी भी आप जब भी नए अगर आपकी गाड़ी होगी तो पूरे के पूरा कूलेंट डालना जरूरी है। कूलेंट में ऐसा नहीं कि पानी डाले तो चल जाता है, ऐसा मत सोचिए, कूलेंट डालो जरूरी है, वो गाड़ी के लिए बना है। और उसके बाद जब भी आपने ऐसा जो लगती है कि इसमें कूलेंट डालने के बाद गाड़ी ओवर हीट होती है, तो उसका रेडिएटर निकालेंगे, उसको फ्लश करो, रेडिएटर क्लीनर डाल के फ्लश करो, अंदर पूरा अंदर रेडिएटर फ्लशर डाल के पूरा ब्लॉक क्लीन करो, और उसके बाद में वॉशिंग सेंटर से जाके उसको अच्छे से पानी मार के रेडिएटर क्लीन करके फिर आधा पानी और आधा कूलेंट ये इस्तेमाल करके गाड़ी चलाना चाहिए। और फिर बाद में जब भी गाड़ी चलने के बाद कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद प्योर कूलेंट डलवाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी अंदर की काई निकल जाती है और गाड़ी अपनी पूरी तरीके से ओरिजिनल रूप में आ जाती है। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के नए टॉपिक के साथ।